Hello, my dear students. Today I am going to start a topic, energy security. This is the lecture number 5 of a subject, energy auditing and management. This subject is in the curriculum of electrical engineering 7th semester as a elective in IKG PTU, Kapurthala. And this subject is also in different universities, in different semesters, even as well as odd semesters. Maybe in third semester, fourth semester, fifth and sixth semester. So that maybe the name of subject may be changed, energy auditing and management, maybe energy conservation, energy management only. So the topic is very recent, and it's this subject is very interesting and very applicable in the next future, next era of the advancement of electrical engineering resources. So the topic is energy security. This is the lecture number 5. Before that, you can refer the different book to get the basic knowledge and particular concepts of this particular topic. So you will go for this, and you can also refer the notes on available on website by Bureau of Energy Efficiency for the course of certification course of energy auditor. And you can also subscribe my channel and also share with your friends and colleague if you are the students of any university across the country. और आप इसको अगर आप कहीं पे faculty भी है तो आप particular मेरे channel को उस अपने groups में, अपने faculty के groups में और अपने जो students के group में उसमें share कीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही interesting topics मैं लेने आने वाला हूँ और बहुत सारे subjects भी लेके आने वाला हूँ आपके लिए. तो ये सारी चीजें आपको single मेरे platform पे available हो जाएगी. So we can start the topic right now, energy security. The basic aim of energy security for a nation is to reduce its dependency on the imported energy sources for its economic growth. Means energy security वो है कि जो आपको energy dependency है आपके imported sources पे. Means the particular country didn't have a proper fuel or proper energy to maintain their energy consumptions taken by the energy consumptions of the of their citizens. तो उनके लिए वो लोग डिपेंड रहते हैं अदर कंट्रीज पे. जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक बहुत सारे बाहर की कंट्री पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास उतने सारे फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज या कोल रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम अपनी पूरी कंट्री की एनर्जी को कंप्लीट कर पाए. तो उसी को हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी कहते हैं कि एनर्जी क्राइसिस ना हो, हमारे पास स्टोर रहे इतनी एनर्जी ताकि हम उस एनर्जी को आगे किसी भी चीज में पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं. सेकेंड लाइन जो कह रहा है वो आप देखिए, इंडिया विल कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस एन एनर्जी सप्लाई शॉर्टफॉल. यही चीज मैं आपको कह रहा था कि इंडिया जो है वो शॉर्टफॉल कर रहा है एनर्जी सप्लाई में थ्रू आउट द फोरकास्ट पीरियड. इन एडिशन द गवर्नमेंट सब्सिडाइजेज रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट प्राइसेज थस कंपाउंडिंग द ओवरऑल मॉनेटरी लॉस टू द गवर्नमेंट. अब क्या होता है, कई सारे चीजों पे आप देखते हैं कि ड्यू टू वोट बैंक आप मान लीजिए इसको, या पॉलिटिकल इश्यूज मान लीजिए, जो हमारे जो फ्यूल प्रोडक्ट फ्यूल है आपका या बाकी कई सारे चीजें हैं उसको हमें कई जगहों पे, जैसे गैस है, एलपीजी गैस है या केरोसिन ऑयल था पहले, उन सबको काफी ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे हमें अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना पड़ता है ताकि सिटीजन्स उसको प्रॉपरली यूज कर सके. Then imports of oil and coal have been increasing at rate of 7% and 16% per annum respectively during the period of 1991 to 1999. अब जो 91 में था 7% हमारा रेट इंक्रीज हो रहा था, वो 99 आते आते कितना हो गया, 16% हो गया पर एनम रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 91 टू 99. द डिपेंडेंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज इन द फ्यूचर. अब आप ये खुद देखिए कि 1991 से लेके 1999 तक 7 से 16% हुआ है, तब आप सोचिए कि 99 से 2010 तक कितना हुआ होगा, 2010 से आज के डेट तक कितना हुआ होगा. एस्टिमेट्स इंडिकेट्स दैट ऑयल इंपोर्ट्स विल मीट 75% ऑफ टोटल ऑयल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स एंड कोल इंपोर्ट्स विल मीट 22% ऑफ टोटल कोल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट इन 2006. जो अदर कंट्रीज है जैसे गल्फ की कंट्रीज हो गई, उसके बाद मिडिल ईस्ट हो गया या अमेरिका हो गया, इससे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है लिक्विड पेट्रोलियम ऑयल, और जितने भी आपके ये इधर वाली कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, इन सब से हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ता है टू मेंटेन
आवर एनर्जी रिसोर्सेज, हमारे अपने एनर्जी रिसोर्सेज को और जो हमारी एनर्जी डिमांड है हमारे सिटीजन्स की इंडिया में, उसको फुलफिल करने के लिए हमें डे बाय डे अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। द इंपोर्ट ऑफ गैस एंड एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है आर लाइकली टू इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा अब कुकिंग का पूरा सिस्टम है वो अचानक से कोल और नॉर्मल कुकिंग वेस्ट से हमारा शिफ्ट होके किस पे आ गया है, एलपीजी पे आ गया है। तो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैसेज है एलपीजी और सीएनजी, आज के डेट में देखो पूरा दिल्ली जो जितने सारी दिल्ली में बसेज है या व्हीकल्स है मोस्टली रन बाय सीएनजी। तो हमें जो लिक्विड नेचुरल गैसेज है लिक्विफाइड नेचुरल गैसेज है उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा और वो ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में टू मेंटेन द एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री। उसके बाद है दिस एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस इंप्लाइज वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल प्राइस शॉक्स एंड सप्लाई फ्लक्चुएशन विच थ्रेटन द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अब इसमें क्या होता है, अभी आप देखिए कुछ दिन पहले क्या किया, ग्लोबल की अगर मैं बात करूँ, ग्लोबल ऑयल की बात करूँ, जो ग्लोबल इशू चल रहे हैं आज के डेट में वर्ल्ड में, वर्ल्ड वार चल रहा है आपस में एक दूसरे के साथ, प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, उसके कारण क्या है, देखिए हम ईरान से इंडियन करेंसी में ऑयल परचेज करते थे तो हमें ऑयल सस्ता पड़ता था, वो चार बाहर एयरपोर्ट से, जो चार बाहर पोर्ट से उनके ऑयल आता था, हमारी वहां पे सिस्टम लगे हुए थे और फर्स्ट कंट्री ईरान थी जो इंडिया में इंडियन करेंसी में ऑयल लेती है। नहीं तो मोस्टली जो कंट्रीज है मोस्टली वो ऑयल की जो पूरी की पूरी ट्रेडिंग होती है वो यूएस डॉलर में होती है। अब अमेरिका ने ईरान पे बैन लगा दिया तो हमें किसके साथ करना पड़ रहा है ट्रेड अब ऑयल का, अमेरिका के साथ या दुबई के साथ, और दुबई और जो मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज है उनकी जो ऑयल प्राइस है दैट विल बी मच मोर एज कम्पेयर टू द प्राइस कोटेड बाय ईरान। तो लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है जिस कारण से हम उस पर डिपेंड नहीं हो, ईरान से हम नहीं ले पा रहे हैं, हमें ईरान के साथ जो अपना ऑयल का ट्रेड था वो खत्म करना पड़ा कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स के कारण, जो डेवलप्ड कंट्री उनके प्रेशर्स के कारण, नहीं तो हो सकता था हम पे भी वो बैन लगा देते। इस कारण से हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्यूल का देके हमें उनसे परचेज करना पड़ रहा है ऑयल। उसके बाद आप देखेंगे द नीड टू डील विथ ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑल्सो नेसेसिटेट्स मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस द ऑयल डिपेंडेंस ऑफ द इकोनॉमी पॉसिबली थ्रू फिस्कल मेजर्स टू रिड्यूस डिमांड एंड बाय डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स टू ऑयल सच एज नेचुरल गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब ऑब्वियस सी बात है कि वी हैव टू परचेज ऑयल फ्रॉम अदर कंट्री, उससे बचने के लिए हमें अपने नेचुरल गैसेस के जो रिसोर्सेज है उसको ढूंढना होगा और उसके अलावा जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है कंट्री में उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करके जो एनर्जी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है उसको हमें फुलफिल करनी होगी। तो उसके बाद हम लोग जब ये एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी ऑब्वियस सी बात है एनर्जी सिक्योरिटी वो है जो हमें कम से कम डिपेंडेंसी दे एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एनर्जी सिक्योरिटी। अब कुछ स्ट्रेटजीज है, सम ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज्ड टू मीट द फ्यूचर चैलेंजेस टू देयर एनर्जी सिक्योरिटी। कुछ चीजें हमें अभी से प्लान करके रखनी पड़ेगी टू मेंटेन द एनर्जी डिमांड ऑफ आवर कंट्री, उसको मेंटेन करने के लिए हमें ये चीजें रखनी पड़ेगी। तो पहला क्या है, बिल्डिंग स्टॉक पाइल्स, मीन्स हमें एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ेगा कहीं, जैसे ऑयल है ऑयल बैंक बनाने पड़ेंगे, जैसे बहुत बड़े बड़े आपके जो ऑयल रिफाइनरीज है वो लगाने पड़ेंगे जहां हम जो क्रूड ऑयल है उसको ला के हम अपने यहाँ कन्वर्जन कर सके, उसको रिफाइन कर सके, प्यूरीफाई कर सके, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता है। अगर हम डायरेक्ट कहीं से पेट्रोल एक्सपोर्ट करेंगे या रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ेगा, तो सारी चीजें हमें बनानी पड़ेगी, स्टॉक पाइल्स बनाने पड़ेंगे उसकी। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सप्लाई सोर्सेज, हमें डाइवर्स करना पड़ेगा अपने एनर्जी सप्लाई सोर्सेज को ताकि वो कम से कम हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़े। इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ फ्यूल स्विचिंग, जो हमारा फ्यूल स्विचिंग है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा धीरे धीरे, हमें जितने भी आपके जो ये क्रूड ऑयल और ये जो हम परचेज कर रहे हैं बाहर की कंट्री से उसकी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख लो, जो पहले हमारी रेलवे थी, रेलवे का 90% पार्ट जो था वो 90% पार्ट जो रेलवे का था वो या तो कोल बेस्ड था या हमारा लोकोमोटिव जो था वो डीजल बेस्ड था।
लेकिन अब हम मोस्टली हमने क्या कर दिया, अब हमने मोस्टली को क्या कर दिया है, हमने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम किसी से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमने थोड़ी लिबरलाइजेशन ली, कुछ प्राइवेट कंपनीज बनाए, थर्मल पावर प्लांट्स हम डे बाय डे बढ़ा रहे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हम कुछ जगहों पे लगा रहे हैं, और उसके थ्रू हम अपने पूरे के पूरे रेलवे सिस्टम को इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रीफाइड में भी अब देखिए कि अब बिजली का खर्चा बढ़ गया, तो हमने क्या किया, मोस्टली जो रेलवे हैं, अब कई सारे रेलवे के जो वैगन डिजाइन हो रहे हैं, जो बॉगीज डिजाइन कर रहे हैं, उसको हम पूरा का पूरा एनर्जी एफिशिएंट बना रहे हैं, या उसके ऊपर हम सोलर प्लेट लगा रहे हैं और सोलर प्लेट के थ्रू हम लोग एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिमांड रिस्ट्रेंट, डिमांड को हमें पूरा का पूरा रिस्ट्रेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसके लिए अलग से हमारे जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उन्होंने एक अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई थी इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, MNRE, और उस MNRE के थ्रू हमने बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिया में चल रहे रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, जो कि आगे जाके काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। हम लोगों ने लिंकअप कर दिया है डायरेक्ट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ सोलर वाले को, तो सोलर जनरेशन को अब नॉर्मल एक जैसे डोमेस्टिक यूजर्स भी है, वो भी अपने रूफटॉप पे सोलर लगा के और बाय डायरेक्शनल मीटर लगा के इलेक्ट्रिसिटी को चाहे तो रेगुलेट कर सकता है और कनेक्ट कर सकता, इंटरकनेक्ट कर सकता है ग्रिड के साथ। उसके बाद है आपका एनर्जी एफिशिएंसी, दिस इज द मेन पैरामीटर, इसी कारण से हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, अब आप देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे इन द ईयर ऑफ 2000-2003 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे फिलामेंट बल्ब आता था 100 वॉट का फॉर द इल्यूमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद ट्यूबलाइट्स आए 40 वॉट के ट्यूबलाइट के साथ में इलेक्ट्रॉनिक चौक आ गया, फिर CFL आ गया, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, और आज के डेट में मोस्टली जो आपके लाइट सोर्सेज है दैट विल बी बेस्ड ऑन व्हाइट LED। LED के थ्रू हम लोग लाइट इल्यूमिनेट करते हैं, जो कि काफी ज्यादा चीप हो गया है आज के डेट में। मतलब आप ये सोचिए कि जो 100 वॉट के बल्ब से हमें एनर्जी मिलती थी, वो 12 वॉट का जो LED बल्ब है वो देगा, तो एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू हम लोग उस चीज को कर रहे हैं। प्लस हम लोग जो घर बना रहे हैं उसके घर में भी पूरा डिजाइन इस तरह से हम लोग करते हैं आर्किटेक्चरली, कि वो पूरा का पूरा घर जो हो वो एनर्जी एफिशिएंट हो, उसकी हीटिंग कूलिंग में मिनिमम से मिनिमम हमें एनर्जी यूज करना पड़े, तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारा वेस्ट है उसको हम लोग कैसे रीयूज करें, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो फाइनली जो कंक्लूजन है इसका, हाउएवर आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस, दीज आर दी ऑप्शंस, इन ऑप्शंस के बाद द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इजीली अटेनेबल इज रिड्यूसिंग डिमांड थ्रू परसिस्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट, जिसको मैं एनर्जी मैनेजमेंट कहता हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंसी और बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, इफ यू सेव ए 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम, इट मींस यू हैव टू जनरेट मिनिमम 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द जनरेटिंग एंड, क्योंकि जनरेटिंग एंड के पास 2 जनरेट होता है, तब आपके घर तक आते आते वो 1 यूनिट बचता है, क्योंकि जनरेटिंग यूनिट में भी कुछ लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन में भी कुछ लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ लॉसेज है, और फाइनली आपके घर पहुंचते पहुंचते वो 2 में से 1 यूनिट रह पाता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रॉम जनरेटिंग टू योर होम। तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है। तो आप जो है एनर्जी सिक्योरिटी इज नॉट ए बिग डील अगर हम प्रॉपरली एनर्जी को मैनेज कर लें। इसी के लिए एनर्जी ऑडिटर और एनर्जी मैनेजर का सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी की एफिशिएंसी के द्वारा, और जो आपका NPTI है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके 5 या 6 इंस्टीट्यूट है ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो MBA भी कराती है, मास्टर इन बिजनेस MBA भी कराती है इन एनर्जी मैनेजमेंट। 2 साल का उनका कोर्स होता है, वो कंप्लीट एनर्जी मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं, और PDI गुड़गांव भी है, वहां भी कराते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट अब हो गए जहाँ पे एनर्जी के बारे में आजकल सोचा जा रहा है, और एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज, बहुत सारे जो रिसर्च है वो आज के डेट में चल रहा है। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि एनर्जी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, कि कैसे हम लोग एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। जनरेट करना बड़ी बात नहीं है, बट उसको हाउ इट विल यूज एफिशिएंटली, उसको कैसे एफिशिएंटली हम यूज करेंगे, वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। क्लियर है?
आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का मटेरियल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके सिंपल अपना टॉपिक डालिए एनर्जी सिक्योरिटी और आगे BEE टाइप कर दीजिए, आपको पूरा PDF फाइल आ जाएगा। आप उसे रीड करिए, समझ में नहीं आता है आप मेरे को मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक नहीं आया समझ में। हर एक टॉपिक का मैंने पहले ही कहा है कि एक अपग्रेडेड वर्जन आपको मिलेगा। वो कब मिलेगा? वो जब मैं एक बार पूरा सब्जेक्ट का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, देन आई विल रिवाइज द ऑल टॉपिक्स इन अपडेटेड वर्जन, जहां पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है बट टाइम लिमिट बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कितना मिनिमम से मिनिमम टाइम लेके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी पेपर में आपको मैटर दे सकूं, उसके देने के प्रयास अभी मेरे पहले प्रायोरिटी पे है। नॉलेज बेस्ड प्रायोरिटी जो है उस पर डिटेल डिस्कशन की जो बात जहां तक है वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारा हर एक टॉपिक का एक अपडेटेड एंड अपग्रेडेड वर्जन आएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। क्लियर है गाइज? तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अपने अगर आप फैकल्टी हैं तो आप अपने स्टूडेंट को शेयर करिए और अपने कलीग को शेयर करिए दूसरे यूनिवर्सिटीज में। क्योंकि सब्जेक्ट हो सकता है मैं एज पर IKG PTU चला रहा हूं, लेकिन कुछ टॉपिक्स जरूर होंगे जो आपके यहाँ भी किसी ना किसी सेमेस्टर में चल रहा होगा, तो आप उसको करिए। बाद में मैं तो ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटी का बनाऊंगा ही, उसके लेक्चर के हिसाब से मैं टॉपिक वहां पे डालूंगा ही, लेकिन तब तक जब तक मेरा PTU का कैरिकुलम चल रहा है, आप अपने सिलेबस के पॉइंट्स PTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलिए और कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।